हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के जितने भी हम जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके आने वाली एग्जाम, चाहे वो एमपी पुलिस हो या पटवारी हो या एसआई की एग्जाम हो, ये जो जीके के क्वेश्चंस है वो जो व्यापम की जितनी भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, मतलब ये जो उकाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 100 वर्षों का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 100 वर्षों का युद्ध जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, आदम का पुल कहाँ स्थित है, मतलब आदम का पुल स्थित है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, भारत की कौन सी भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो ये जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है तेलुगु भाषा को कहा जाता है, तेलुगु भाषा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दिया हुआ हमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो देखो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिव जो थे वो जो थे वहां पर त्रिग्वेली जो ये थे नॉर्वे के थे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई सचिव, मतलब एशिया के जो सचिव थे वो जो थे यू थॉट थे, यू थॉट, यू थॉट, और ये जो थे बर्मा के थे जिसको म्यांमार कहते हैं, मतलब पुराना नाम बर्मा है, और जो पहले जो महासचिव थे वो थे त्रिग्वेली नॉर्वे के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है, भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है, तो जो विद्युतीकरण वाला शहर है वो है कोलकाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारतीय क्षेत्र का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है, क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया हुआ है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मौन घाटी किस राज्य में स्थित है और कभी क्वेश्चन में आता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है केरल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इटली की गंगा जो है वो पो नदी को कहा जाता है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो गंगा नदी डेल्टा है, गंगा नदी का डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है, तो म्यांमार की जीवन धारा जो है इरावती नदी को कहा जाता है, इरावती नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है बगलीहार बांध, बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जो है झेलम नदी पर बनाया गया है, झेलम नदी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का जो पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और ये जो है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, मतलब भारत का जो पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन सौर परियोजना लगी है, तो ये जो है नीमच में लगी हुई है, कहां पर, नीमच जिले में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है हमें, सलाल परियोजना किस नदी पर है,
तो सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदुला की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। तो ये जो है बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, बुंदेलखंड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, गारो और खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ये जो है मेघालय राज्य में पाई जाती है, मेघालय, गारो और जनजाति जन। उसके बाद चंबल नदी कहाँ से आरंभ होती है, तो ये जो है जनपाव पहाड़ियों से, इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, जनपाव की पहाड़ियों से, जनपाव पहाड़ियों से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।